बाद हम इसको एक छलनी में छान लेंगे। छलनी में छानने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, ये फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसकी खीर बनाते हैं। अब एक साइड ये हाफ के जी दूध है और हमने इसे उबलने के लिए रख दिया है, और गैस की दूसरी साइड में हमने ये एक कढ़ाई रखी है, गैस ऑन कर ली है, और हम इसमें ये हाफ टी स्पून देसी घी डालेंगे। और घी गर्म हो गया और हमने इसमें ये कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आपके पास घर में जो भी हो आप वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और हम ये थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। भूनते भूनते पोस्ट का कलर भी चेंज हो गया है और घी भी इसने छोड़ दिया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें दूध ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। हमने एक तरफ दूध रख दिया था उबलने के लिए, दूध हमारा उबल गया। आप गर्म दूध डालिएगा। 2 कप दूध डालने के बाद हम वापस गैस को ऑन कर लेंगे और इसे चलाते हुए उबाल आने देंगे। हम इसमें 1/2 कप दूध और ऐड कर रहे हैं। ये दूध में उबाल आ गया है और अब हम गैस की आंच को सिम करके और इसे करीब 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने भून कर रखे थे। बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसे भी कढ़ाई में खीर को पकते हुए करीब 1/2 घंटे हो गए हैं और ये खीर देखिए काफी गाढ़ी भी हो गई है, पककर तैयार हो गई है लगभग। और अब हम इसमें जिस कटोरी से हमने पोस्ट लिया था, 1/2 कटोरी, उसी कटोरी से 1/4 कटोरी चीनी ली है। हम इसे मिला लेंगे। हम इसे चलाते हुए उबाल आने देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और ये खीर बनकर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और जन्माष्टमी पर ये सबके घर में बनती है क्योंकि पूरे दिन नमक नहीं खाना होता है, तो इसलिए हम पोस्त की खीर बना लेते हैं, खाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी बनाकर जरूर देखिएगा। चीनी डालने के बाद हमने देखिए 2 मिनट तक इसे उबाल लिया है। चीनी अच्छे से पक गई है, फीकी फीकी नहीं लगेगी। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए पोस्ट की